नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद में कृषि बिलों के समर्थन में भाजपा सांसद सुनीता दुग्गल ने ट्रैक्टर रैली निकाली, जिसको किसानों और आढ़तियों ने काले झंडे दिखाकर विरोध जताया। गांव ढिंगसरा से रेस्ट हाउस तक खुद ट्रैक्टर चलाकर पहुंची सांसद। पुलिस ने विरोध कर रहे दर्जन भर किसानों को लिया हिरासत में। रेस्ट हाउस से 2 किलोमीटर दूर किसानों के बैरिकेड्स करके उन्हें रोका गया। कुछ किसान सुरक्षा घेरे को चकमा देकर के पहुंचे रेस्ट हाउस तक, फिर भी काले झंडे दिखा करके विरोध जताया सांसद के ट्रैक्टर के आगे लेटे किसान। वही किसानों ने जमकर नारेबाजी की। फतेहाबाद शहर में रैली निकाले बिना सांसद वापस लौट गए। किसानों के विरोध की सूचना मिलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बीच पर छोड़ी। पल पल फतेहाबाद से राजेश पांबू की विशेष रिपोर्ट।
में विरोध करे की यात्रा देखी मकसद मान। देखो ये यात्रा पुलिस की पूरी मान लो पुलिस फोर्स लगा के पूरी तरह से फतेहाबाद ब्लॉक फतेहाबाद जिले के अंदर जगह जगह बैरिकेड ला के किसानों को रोका गया। जहाँ हजारों लोग आ रहे थे, जाखड़ के लोगों को नहीं आने दिया गया, टोहाने के लोगों को नहीं आने दिया, रतिया के अंदर दो जगह हमारे को रोका और जगह जगह बैरिकेड लगाए गए। और हमने ये विरोध करने के लिए किसान आए थे क्योंकि ये तीन काले कानूनों के पक्ष में यहाँ के सांसद यहाँ के विधायक जो यात्रा निकाल रहे हैं, यात्रा निकालने की बजाय ये गाँव के अंदर आके लोगों को समझा दें कि ये काले ये कानून लोगों के पक्ष में है, शायद लोग ना विरोध करें। ये नाटक कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि शायद लोग पीछे हट जाएंगे। अब लोग पीछे नहीं हटेंगे। सरसा के अंदर पक्का मोर्चा शुरू है। जिस दुष्यंत ने किसानों के साथ ठगी की है, किसान के नाम पर वोट लेके अब सत्ता का सुख भोग रहा है। एक बड़ी लड़ाई सरसा के अंदर हमने शुरू की हुई है। आप देखोगे अब गाँव के अंदर ये लोग नहीं जा सकते। गाँव के अंदर इतना भारी विरोध है। यहाँ हमारी सांसद जब गाँव के अंदर आई, चाहे सरसा के अंदर गई चाहे रतिया के अंदर गई, लोगों ने काले झंडे से स्वागत किया। इससे माड़ी बात क्या हो सकती है? आज तक आज़ादी के 1947 के बाद आज तक जितना विरोध इन बीजेपी के नेताओं का हो रहा है, शायद ही किसी पार्टी के नेताओं का इतना विरोध हुआ हो। ये पुलिस के बल पर राज करना चाहता है खट्टर। ये राज टिक नहीं पाएगा क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये देश भगत सिंह का है, लोग लड़ना जानते हैं। आप देखोगे सरकार जा रही है और आने वाले समय में किसान एक बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहा है। खेती तब बचेगी जब दो किसान सड़कों पर आएगा। एक बड़ा संकेत आज हमने दे दिया। आप पहुंचने वाले जो यात्रा थी उसमें कितने के लोग शामिल थे, क्या किस लेवल के ये किसान थे? ये तो ट्रैक्टर किराए पे लेके आए हुए थे। आप जांच कर ली जाए, 20 ट्रैक्टर बता रहे हैं। उनके मुंह बांधे हुए थे, मुंह भी नहीं खोल रखे थे लोगों ने, शायद वो किराए पे लेके आए थे। ये नकली था ड्रामा और वो मतलब इतने जोरदार तमाचा है तीन लोगों के मुंह के ऊपर। जो यहाँ सत्ता के हिस्सेदार हैं वो यहाँ 200-400 ट्रैक्टर भी नहीं ला सकते। इसका मतलब टोटल लोग उनके विरोध में हैं। हाँ जी, यात्रा का क्या रूट था? देखो ये रूट तो इन्होंने देखते के बदल लिया। इनकी ये पहले तो फतेहाबाद आने के लिए कह रहे थे। जब हमारा विरोध देखा और पीछे मोड़ दी गई विरोध के चलते। और यदि मान लो यात्रा इतनी जबरदस्त थी तो इनको फतेहाबाद आना चाहिए था। लोग काले झंडे लेके आए हुए थे और आप देखो कितना गुस्सा है लोगों के अंदर। लोग इनको गांव के अंदर आएंगे, सवाल करेंगे, एक बड़ा आंदोलन बनता नजर आ रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस बीच में छोड़कर भाग गए, जिस तरह से आप आने का उनको सूचना मिल गई थी कि आप आ रहे हैं, तो क्या किस तरह से देखते हैं? अभी तो किसान जाग गए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, ये तो देश छोड़ के भाग जाएंगे क्योंकि देश के विरोध में जो नीतियां लेके आएंगे नेता वो यहाँ रह नहीं पाएंगे। जिस तरह से बड़ौदा चुनाव अब हो रहा है, तो जिस तरह अब सारे नेता जो बीजेपी के बड़े बड़े तमाम नेता विधायक से लेके सांसद जो भी कार्यकर्ता है बीजेपी के, उन्होंने वहाँ डेरा डाल लिया, तो वहाँ कोई प्रोग्राम बनाया आपने बड़ौदा चुनाव में? इस तरह बड़ौदा चुनाव के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी, मगर दुख इस बात का जो जीतेगा वो भी मान लो किसानों का नहीं है। ये चुनाव के तौर पर हाँ जरूर इसको एक चोट जरूर पहुंचेगी बीजेपी को, क्योंकि सरकार वहां से हारेगी तो इसका मुंह काला होगा। लाजमी तौर पर बड़ौदा सीट बीजेपी हार रही है, मगर जीतने वाला भी जनता के पक्ष में नहीं है क्योंकि आज जो विपक्ष के विधायक हैं वो भी मात्र फोटो खिंचाने के लिए आते हैं। किसान अब खुद लड़ रहा है, पार्टी छोड़ कर लड़ रहा है, धड़ेबाजी छोड़ कर लड़ रहा है। किसान जब दुविधा में है तो कोई लीडर उसके साथ नहीं है, बल्कि किसान संगठन लड़ रहे हैं और ये पहली बार हो रहा है। वहाँ का कोई प्रोग्राम बना आपका कोई? देखो बड़ौदा के अंदर हमारा अभी प्रोग्राम नहीं बना। हमने एक मार्च शुरू करना है 19 तारीख से सरसा से। हम वो मार्च बड़ौदा के अंदर जरूर लेके जाएंगे। इसका जो सरसा के अंदर हमारे ऊपर पानी की बिछारे मारी और आंसू गैस के गोले छोड़े, पिपली के अंदर हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, उसके विरोध में पूरे हरियाणा के किसानों को लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। उसी कड़ी में बड़ौदा में भी जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सुनीता दुग्गल ने की कृषि अध्यादेशों के पक्ष में रैली निकाली है, उसका विरोध करने के लिए हम सब साथी आए हैं और हजारों साथियों को सरकार ने रोक लिया, प्रशासन के माध्यम से उन्हें आने नहीं दिया गया। हम विरोध करने आए थे काले झंडे लेकर और 20 ट्रैक्टर लेकर सरकार ने ये रैली निकाली है और इनके साथ ना कोई जमींदार का बेटा है, सिर्फ दिहाड़ी पर लाए हुए मजदूर है और ट्रैक्टर भी एजेंसियों से लिए हुए हैं, भट्टे से ट्रैक्टर लिए हुए हैं। इसका विरोध करने आए हैं और इतने साथी किसान इसके विरोध में थे, उनको आने नहीं दिया गया प्रशासन। प्रशासन ने भी आपको रोकने का प्रयास किया है? प्रशासन हर जगह नाके लगा रखे, प्रशासन नाके लगा, रतिया से बहुत भाई आने वाले थे सैकड़ों की संख्या में, उन्हें रोक दिया गया। टोहाना से आने वाले, भट्टू से आने वाले थे, किसी को नहीं आने दिया। किस बात को लेकर के आपका विरोध रहा है? विरोध ये तीनों कृषि अध्यादेश किसानों के पक्ष में नहीं है, उसके विपक्ष में है। उसका विरोध करें, इनमें हजारों कमी है, उसके विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया।
आप लोगों का मैसेज यहीं पर था ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का? सिटी में आता है फतेहबाद की बात करें तो बोड़िया खेड़ा बट फतेहबाद में आता है। वो दोनों बड़ौदा इलेक्शन में गए, मेरी भी ड्यूटी लगी।